अरे डर मत पगली आहिर के हास बनले खेलवा में, अरे केरो की होते बेलवा में जेकर जन्म भइल बा। केडी के साथ एक रील बनाए थे आरती का गाना था, करीबन 2-3 मिलियन से अधिक व्यूज था। यादव इतने गाने लाते हैं और यादव प्लस में रंगदार। हिरन के धरती हसेर के इलाका हिलवले किला हो, अपना गरमी में तनिका नरमी राखो यहिर के जिला। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आपको देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज भोजपुरी। हमारे साथ मौजूद है सौरभ यादव जो परिचय के मोहताज नहीं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल रहते हैं इनके, मतलब रील्स काफी ज्यादा वायरल रहते हैं और गाना मतलब भी गाते हैं जो कि यादव पे, रंगदारी पे और तमाम ऐसे ऐसे गाने गाते हैं। खैर अभी भैया मिले, बातचीत करेंगे और पहले तो बधाई देंगे आपको कि आपके ऑफिशियल चैनल का 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है ट्रेंड न्यूज भोजपुरी के माध्यम से। जितने भी हमारे भगवान स्वरूपी जनता हमें देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम है। जैसे आपका इंस्टाग्राम आईडी है जो वेरीफाई और 3 लाख से अधिक ज्यादा मतलब फॉलोवर्स है, यानी कि आपके एज ए क्रिएटर बोला जाए तो काफी ज्यादा आपका मतलब कंटेंट मतलब वायरल होता है, रील्स वायरल होता है। सब भगवान भगवान स्वरूपी जनता हमारे आप लोग जैसे भाई हैं तो प्यार तो मिलेगा ही ना, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद आप लोग का बना रहे। भैया जैसे आपका गाना रहता है यादव पे, तो पहले आप एक गाना सुनाइए जो कि मेरा एक गाना अभी कृष्ण भगवान के ऊपर एक गाना आया था जन्मे भइल बा जलवा, सुने होंगे आप लोग गाना। अरे डर मत पगली आहिर के इती हास बनले खेलवा में, अरे केरो की होते बेलवा में जेकर जन्म भइल बा जलवा में, अरे केरो की होते बेलवा में जेकर जन्म भइल बा जलवा में। ये गाना जो है हम लोग रील्स के माध्यम से सुने थे जो कि काफी ज्यादा वायरल चल रहा था। ये गाना बहुत वायरल है, अवतार फिल्म से ये गाना आया था राजन भैया का चैनल से और बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। ये गाना मिलियंस में गया और इसके 60-70 हज़ार रील्स भी बने इस गाने पे। अभी कुछ दिन पहले भी ट्रेंड में था ये गाना, 1 साल पहले का गाना है। 1 साल पहले का गाना। भैया आप यादव पे इतने गाने लाते हैं और यादव प्लस में रंगदारी क्यों? देखिए अब यादव है तो और कुछ पे तो आएगा नहीं गाना जी। अब अपने जात पे गाना गलत थोड़ी है, अपने जात का बढ़ावा हर कोई चाहता है कि हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का सम्मान में गाना गाएं जी, उस जाति को जितना हो सके अपने अपने अनुसार जितना आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये तो है लेकिन हर कोई चाहता आप है, आप युवा हैं, हैंडसम है, रोमांटिक गाना लाइए, काफी ज्यादा प्यारा आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सारा गाना आता है, ऐसा थोड़ी है, मतलब हर तरह का गाना। जनवा जेल में बा हमार अभी रंगदारी वाला गाना क्या? रंगदारी वाला गाना खूब ज्यादा वायरल होता है, जैसे मेरा डोलिया का अरवा गाना आया था जी। बहुत सारा गाना आया है। आपका एक रील हम देखे थे जो कि बहुत ज्यादा व्यूज पे है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखा जाए या फिर इंस्टाग्राम पे, मुस्कान केडी के साथ एक रील बनाए थे आप ही का गाना था, करीबन 2-3 मिलियन से अधिक व्यूज था। अच्छा अहिरे जी, मुस्कान केडी एक हम लोग तमाम श्रोता लोग वो परिचित है हम लोग के ऑडियंस, इसलिए उनका नाम के साथ बहुत सारा गाना मेरा है। जादू जी खटलवा में चुमा लेने काल पे नाल के ताल पे बहुत सारा गाना है उनके साथ, जो गाना अच्छा रिस्पॉन्स गया है जी। जादू जी पिया के सिगरेटवा रे, बहुत सारा गाना है। तो आपसे उम्मीद किया जाए कि एक बेहतर बेहतर रोमांटिक गाना हम जैसे युवाओं के लिए लाइएगा। जरूर, ऐसे तो मेरे बैक टू बैक बहुत सारे गाने आ रहे हैं, अभी आज ही आज आज आया है, कल सुबह आया गाना ना। हाँ जी, एक आप रोमांटिक गाना चुराइए क्योंकि आपका जो फेस है, आपका जो मतलब पहचान है लोगों के बीच, एक रंगदारी वाला जो कि यादव जी के तौर पे आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो काफी ज्यादा लोग आपको मतलब फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी एक बेस तक रिकॉर्ड भोजपुरी से मेरा गाना आया है 2-3 दिन पहले, बहुत अच्छा गाना है। गाने का लाइन है कि ससुरा के समाचार बताबो एरन, तोरा कई बेर पियोलस मोहब्बत के पानी, ससुरा के समाचार बताबो एरन, तोरा कई बेर पियोलस मोहब्बत के पानी,
तू तो गइलू तू बरही लगे हर जा कइले बा रात पर दा लगा के मरदा गरदा कइले बा। ये गाना है अभी 2 दिन पहले आया है गाना, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस गाने को। हनी सिंह जी के साथ ये गाना आया है। आपसे एक और गाना हम डिमांड करेंगे कि आहिरे की जिला, ये गाना अपने दर्शकों के लिए होना चाहिए। ये गाना अभी अभी तक में सबसे ज्यादा व्यू है इस गाने पे मेरा, आहिरे की जिला। गाने का लाइन था कि वीरन के धरती हसेर के इलाका हिलवले किला हो अपना गरमी में तनिका नरमी राखो आहिरे के जिला अपना गर्मी में तनिका नरमी राखो आहिर के जिला। ये गाना को भैया और दूसरे द्वारा भी सुना गया है, उस पर आपका क्या राय रहेगा? देखिए अब लोग इस गाने को किस पर्पज से ले रहे हैं, हम लोग का हमेशा से सोच यही होता है इंटरटेनमेंट के पर्पज से गाना गाते हैं जी। और अपने समाज के लिए गाना गाते हैं, तो हमारे जितने भी जादव बिरादरी के हमारे भाई लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का प्यार मिलता है और उन्हीं लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं। वो लोग बार बार बोलते हैं भैया यादव पे गाना आना चाहिए, ये सब गाना नहीं, अब बस यादव पे गाना गाए। तब जिस गाने पे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिलेगा आपको, जिस जिसके इंटरव्यू में व्यू ज़्यादा मिलेगा, आप क्यों नहीं चाहिएगा कि उसका इंटरव्यू बार बार लें जी। लेकिन एक होता है कि बेहतर और बदलाव को लेकर संपूर्ण प्रयास करते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि नहीं अपडेट किया जाए। नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले एक समय था कि मतलब कंटिन्यू सिर्फ जादव पे गाना गा रहे थे, अभी हर तरीके का गाना गा रहे। देखिए मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी कुछ दिन पहले आया था कि अरे कैसे कोली तो सर से भी रे जनुआ जेले में बाहा। रंगदारी वाला गाना है भैया? नहीं रंगदारी बहुत सारा गाना है, मतलब इसमें रंगदारी क्या है जिसे मतलब, हम एज अ युवा, एज अ यंगस्टर, एज अ फॉलोवर बोलिए तो मेरे तरफ से कहीं ना कहीं डिमांड रहेगा कि आप इतने अच्छे हैंडसम है, इतने मतलब अच्छे है, और जरूर बेहतर बेहतर गाना लाइए। आपके सोच का सम्मान करते हैं हम जी, और हर कलाकार को इस तरीके का गाना चाहिए जो आप बोल रहे हैं जी। हम भी प्रयास करते हैं और करेंगे, आप जैसा बोल रहे हैं उस चीज को जरूर। खैर आप भैया आपके एक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, इसे आप शुरू से मतलब ये सिंगिंग करते थे या फिर पहले मतलब सिंगिंग मतलब बचपन से शौक था मेरा जी, तब सपना था एक कि हमको सिंगर बनना है जी। तो क्या था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जैसे होता है ना लिंकअप, किसी से जानकारी नहीं था कि हम उस लाइन कोई गाइडलाइन करने वाले नहीं। हाँ ना मेरे फैमिली में कोई वैसा था कि हमको कोई गाइड कर सके कि हाँ ये करो वो करो, वो चीज था नहीं। तो इधर उधर पढ़ाई पूरा किए पहले अपना, फिर सोचे कि यार क्या करना है, लॉकडाउन का समय था, फिर अपने आप को एक प्लेटफॉर्म मिला, धीरे धीरे अपने आप को हाईलाइट किए, उसके बाद फिर सिंगिंग में अपना जैसे जैसे पकड़ बनते गया वैसे वैसे आगे आते गए। लेकिन आपका फेस वैल्यू सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा है एज ए क्रिएटर, और आप तो मतलब आपके गाने भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। अब जनता का प्यार है, माता रानी का आशीर्वाद है। खैर जैसे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपके गाने भी कहीं ना कहीं हम भी एज ए सुनते हैं, एज ए मतलब ऐसा बात नहीं कि हम लोग गाने नहीं सुनते होंगे, मतलब जरूर। आजकल का युवा देखिए जो युवा को पसंद है वही हम लोग करते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या चाहिए वो हम लोग को पता चलता है कमेंट के जरिए, सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रहा है वो तो हम लोग को दिखता ही है ना, क्योंकि हम भी लोग सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, क्या बज रहा है मार्केट में उसी के हिसाब से हम लोग गाते हैं। आपका ये वाला गाना मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि आप अपने जाति का बात कर रहे हैं, अपने पारंपरिक चीजों की बात कर रहे हैं, अपने वंशज की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण भगवान पे गाए थे गाना, ये सब चीजों को मतलब हम सराहना करते हैं आपकी कार्य को, और कुछ जो भी है उसको बदला भी करिए जिससे कि आपकी और वैल्यू को मतलब समाज में सराहना किया जाए। हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है और अच्छे अच्छे गाने आएंगे, अभी अभी तो ज्यादा यही सब पे ध्यान दिया जा रहा है कि मतलब सब युवा के लिए गाना, सब के लिए गाना है ताकि सब लोग गाने को सुन सकें, ऐसा नहीं कि एक जाति विशेष पे गाना आएगा, अभी कलाकार को हर चीज पे गाना गाना चाहिए। खैर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ट्रेनिंग से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद।